मेरे नागरिक भाई और बहनों, जो आज कार्यकर्ता इतनी बड़ी ताकत से यहाँ पर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, ये जो चुनाव हमारे 2024 के लोकसभा का है, इस चुनाव के अंदर मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, आज मैं आपको कहने के लिए आया हूँ, इस चुनाव में आम जनता ने तय कर लिया है कि पुनः तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने का ये चुनाव है। और इसलिए आज यहाँ पर हमारे जो कार्यकर्ता भाई बहन इतनी ताकत के साथ इस चुनावी मैदान में उतरे हैं, मैं आज आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, जब हम झाबुआ की सभा में थे तब प्रधानमंत्री ने कहा, इस चुनाव में एक संकल्प कार्यकर्ता ले। और मैं गुना से ऊपरी के कार्यकर्ताओं को भी कहना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, हर बूथ पर 370 नए मत जोड़ करके इस चुनाव में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को समर्पित कमल के फूल करना है। तो ये आज चुनावी रैली है और आज हमारे नॉमिनेशन की जनसभा में ये संकल्प हमें लेकर के जाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी जब नर्मदापुर पधारे थे तब भी प्रधानमंत्री ने एक ही बात कही, ये चुनाव जनता लड़ रही है, कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है गरीबों के कल्याण के लिए। जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर गरीब का जीवन भारत के अंदर बदल रहा है, इस भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए, इस भारत के अंदर आतंकवाद से मुक्ति दिलाने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति को समाप्त करने के लिए, परिवारवादी इन लोगों को समाप्त करने के लिए, आज मेरे भाइयों और बहनों, आज हमें इस मध्य प्रदेश के अंदर जो 29 की 29 सीटें जीतने का संकल्प भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लिया है। और इस बार मैं आपको एक शुभ संकेत देना चाहता हूँ, यहाँ से मुख्यमंत्री जो हम दोनों छिंदवाड़ा जा रहे हैं, इस बार तो आदरणीय सिंधिया जी छिंदवाड़ा में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है। तो इसलिए आज हम सब कार्यकर्ताओं को 29 की 29 सीटें जीतने के लिए, जो मध्य प्रदेश हिमालय से विकसित राज्य बनाए और देश का मान सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे भारत ने दुनिया के अंदर बढ़ाए, और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, तो मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से आज यही अपील करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। बताओ मेरे भाई और बहनों, हम सब मिलकर के गुना संसदीय क्षेत्र में आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, हर बूथ पर कमल खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे? अरे भाई ताकत से बताओ, खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे? और सिंधिया जी का कमल का फूल सामान्य नहीं जाना चाहिए, इतना भजन के साथ जाए कि मोदी जी को लगे कि गुना संसदीय क्षेत्र ने इतिहास बनाया है। तो बोलिए सब तैयार है? तो दोनों हाथ उठाइए और कांग्रेस मुक्त बूथ बनाना है गुना संसदीय क्षेत्र में, बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय जय।